seats versus competition with respect to MH Law CT 3 years and 5 years 2024 examination. If you're targeting for CT 2024, this video will be very, very handy for you. Alright, so before I proceed, Manual Law Entrance, this is what the channel. If you are watching this video on Manual Law Entrance channel, subscribe the channel because on this channel you will be getting the lots of updates, notification, and very important, 24 ko leke I will be doing the live streaming on this channel. And if you are watching this video on Manual Education channel, to Manual Law Entrance channel ka link mein description mein diya hua hai, jaake subscribe kar lo. Theek hai, now let's talk about the seats versus competition. कॉम्पिटिशन जो है 3 ईयर्स में ज़्यादा बढ़ गया है और सीट्स भी बहुत कम है. अभी जो 2023 का रिजल्ट आया हुआ है उसमें 64,000 लोगों ने एग्ज़ाम को लिखा हुआ है 3 ईयर्स, ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स जो अवेलेबल है फॉर द एडमिशन 16,000 समथिंग है, ठीक है. अगर आप उसको 17-18 पकड़ते हैं या तो लेट से 20,000 तक मैं भी पकड़ लेता हूँ, अगर मतलब कैटेगरी को मिला के, प्राइवेट कॉलेज को मिला के, डीम्ड जो यूनिवर्सिटीज है उनको मिला करके, तो भी 44,000 मतलब 40,000 के आसपास लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा. तो अगर उसको मैं और भी कम कर दूँ 30,000 तो मिनिमम लोगों को एडमिशन नहीं मिलने वाला, 30,000 से 35,000 लोगों को. 5 ईयर्स के केस में 20,000 लोगों ने रफली एग्ज़ाम को लिखा है, 90,000 समथिंग सीट जो है वो 10,000 समथिंग है. तो अगर देखो तो अगर आप कैलकुलेट भी करोगे कि हाँ 10,000 का चलो हम 11-12,000 सीट्स पकड़ लेते तो भी 8,000 के आसपास लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा. This is what the problem with the Maharashtra CET examination. You need to prepare well for the CET. You have to perform well in the CET so that you end up with the best colleges. Number one, number two, any colleges in Maharashtra. तो या तो आपको best college चाहिए तो score अच्छा करना पड़ेगा, और any college चाहिए Maharashtra में तो भी आपको ढंग ढंग का score लेके आना पड़ेगा for the admission. नहीं तो फिर अगर आपका score बहुत कम है, 30 marks, 40 marks, 25 marks है, 50 marks है, इवन तो 60 marks है, तो आपको कॉलेज मिलना डिफिकल्ट होने वाला, मतलब नहीं मिलेगा कॉलेज, ये सिचुएशन है. इस साल का जो स्टैट्स है वो ये है कि 60 के नीचे अगर आपका स्कोर आया हुआ है, 60 के नीचे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा मोस्टली, ठीक है. और अगर आपका उसके ऊपर 70-80-90 के आसपास है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा 70-80-90 वाले लोग को. अब वो कितना अच्छा होगा वो क्वेश्चन मार्क है. अगर आपका स्कोर 100 के ऊपर 110-120-115 ऐसा कुछ स्कोर है तो फिर एक ठीक ठाक कॉलेज मिलेगा. बट अगर आप टॉप 100, टॉप 200 की लिस्ट में हो या टॉप 300 की लिस्ट में हो, 500 की लिस्ट में हो, तो GLC IELTS मिलने के चांसेस है. अब उसमें भी आप ओपन कैटेगरी में आते हो, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो या महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, या तो फिर आप कैटेगरी में आते हो, ST हो गया आपका, OBC हो गया, एक्सेट्रा. सो सीट्स लिमिटेड है, कम है, आपको फोड़ना पड़ेगा CET 24-25 अगर आप लिख रहे हो, चाहे 3 ईयर्स लिख रहे हो चाहे 5 ईयर्स लिख रहे हो. अब बात करते हैं कॉम्पिटिशन का. 3 ईयर्स में कॉम्पिटिशन तो मतलब इंक्रीज ही हुआ है, कम नहीं हुआ है, ठीक है. मतलब एक टाइम था कि 35,000-40,000 के आसपास लोग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते थे, अभी वो नंबर 70 के आसपास पहुंच गया है जिसमें भी 64,000 लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं. तो ऐसा बहुत होता है कि लोग रजिस्टर करते हैं पर एग्ज़ाम नहीं लिखते, तो अभी 64,000 लोग एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, ये नंबर नेक्स्ट ईयर तक मे बी 70 तक पहुँचे. 5 ईयर्स के केस में कॉम्पिटिशन आप बोल सकते हो एट पार जितना था उतना ही चल रहा है, या तो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट बड़ा है एकदम ड्रास्टिकली 3 ईयर्स की तरह ऐसा नहीं है, बट हाँ बढ़ सकता है 5 ईयर्स बिकॉज क्लैट के बाद जो ज़्यादा एग्जाम, क्लैट और एलिट के बाद सबसे ज़्यादा एग्जाम लोग सीटी का लिखना चालू करते हैं, ठीक है. तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा. अगर आपको मुंबई, पुणे या तो फिर महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए तो 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स सीटी में आपको अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा. आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हो कि लास्ट के 15 दिन पढ़ूंगा, 1 महीना पढ़ूंगा, ठीक है, नहीं तो यही चीज़ होगी. नहीं तो होगा क्या, अगर स्कोर अच्छा आया तो अच्छा कॉलेज है, अगर स्कोर ओके आया तो कॉलेज मिल जाएगा एनी कॉलेजेस, और स्कोर कम आया तो यू विल गेट नो कॉलेजेस फॉर द एडमिशन. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. और अगर एडमिशन नहीं मिला इस साल तो एक साल आपका वेस्ट होगा बिकॉज सीटी साल में एक ही बार होता है. इस साल अगर नहीं निकाला आपने तो अगले साल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. सो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी रिलेवेंट होगी आपके लिए, आपके प्रिपरेशन को लेके चार्ज हो जाओ, रेडी फॉर द बैटल, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, मेहनत करना चालू कर दो. जितने लोग 12th बोर्ड में हो एटलीस्ट वीकेंड पे आपका सीटी का पढ़ाई चालू कर दो. इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल 3 ईयर्स या तो ग्रेजुएशन आपका फाइनल ईयर है तो आप टाइम निकालो और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना चालू कर दो, ठीक है. एंड इन केस इफ यू वॉन्ट एनी असिस्टेंट, एनी गाइडेंस, वॉन्ट टू जॉइन अस, सो अगर आप मुंबई में हो तो दादर, बोरीली, वसई एंड थाने, सेंट्रल लाइन में अगर आप हो तो थाने एंड दादर यू कैन विजिट, एंड अगर आप वेस्टर्न लाइन में हो तो बोरीवली, दादर एंड वसई यू कैन विजिट. बट अगर आप मुंबई में हो ही नहीं तो लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर. दिस ईयर वी आर लॉन्चिंग 25 फुल लेंथ मॉक, सो डू राइट ऑल द मॉक टेस्ट जो कि एट पार टू सीटी या एक स्टेप ऊपर होगा सीटी के. सो प्रिपरेशन काफ़ी रिग्रेस होगी आपकी, प्रोवाइडेड आप कितनी मेहनत करते हो आपके करियर को लेकर. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.